दिनचर्या की चर्चा करेंगे, हमारा उठना बैठना सोना जगना किस प्रकार हो। हम सभी को आजीवन स्वस्थ रहना है, चाहे कहीं भी रहें, दुनिया के किसी भी कोना में रहें, आपका एक मूल मंत्र हो कि हम कभी बीमार ना पड़े। जब आप बीमार पड़ जाइएगा तो आपके द्वारा होने वाले कार्य या तो बंद हो जाएंगे या तो अधूरा रह जाएगा। और जिस दिन प्राण निकल जाएगा हमारा या आपका, हमारे द्वारा होने वाला जो कार्य था वही रुक जाता है। इसलिए अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, अपने अस्तित्व को बचाए रखना है, तो सबसे पहले इस भगवान के द्वारा बनाए हुआ जो मंदिर है उसकी रखवाली करनी है। वो हमेशा स्वस्थ रहे, किसी प्रकार से उसमें व्याधियां ना लगे, तो सभी सीधे बैठ जाएंगे। रात्रि में हम लोगों को जितना जल्दी सो जाए वो हमारे लिए सर्वोत्तम है। ऐसे तो शास्त्रोक्त विधि है कि 10 बजे सोना और प्रातः काल में 4 बजे जगना, लेकिन यदि किसी को 10 बजे तक कोई कार्य नहीं है तो सोने के 2 घंटा पहले भोजन करना है। कितना घंटा पहले? जोर से बोलिए, 2 घंटा। यदि रात को 10 बजे सोना है तो कितने बजे भोजन करेंगे? 8 बजे। यदि रात्रि को हमें 8 बजे सोना है तो कितने बजे भोजन? ये आपका नियम होना चाहिए, तालिका। आज हमें 9 बजे सोना है कि 10 बजे सोना है कि 8 बजे सोना है, उसी प्रकार आपके घर में भोजन बनना चाहिए और आहार भी उसी प्रकार से आपको ग्रहण करना है। ये बस ये जानकारी हो गई कि सोने के कितने घंटे बजे भोजन? 2 घंटा पहले। और रात्रि में जब भोजन करें तो भोजन करने के बाद तुरंत वज्रासन 5 मिनट, जैसे बहन जी ने बताया, और वज्रासन के बाद 100 कदम टहलना है। कितना कदम टहलते हैं आप लोग रात्रि में प्रतिदिन? जो 100 कदम टहलेगा वो आजीवन स्वस्थ रहेगा। पहले हमारे पूर्वज घर अलग दालान अलग हुआ करता था, ये वैज्ञानिक तत्वों पर आधारित ऐसा हुआ करता। लगभग 100 कदम या तो सामूहिक दालान सबके गांव के लिए इकट्ठा या अलग अलग भी हुआ करता था। घर से 100-150 कदम की दूरी पर घर में भोजन किया, वज्रासन किया और फिर टहलते टहलते दालान पे आ गए, 100 कदम पूरा हो गया। वहां आ गए तो कोई दादा कोई काका बड़े बुजुर्ग वहां पर कथा कहानियां कहा करते थे और कथा कहने से लगभग 2 घंटा गुजर जाता था। क्या बने 2 घंटा गुजर के कथा कहानी सुनने को, और फिर पता भी नहीं चला कि कब नींद आ गई। मुकाय भर रहे हाँ 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 कहते कहते कुछ आदमी बीच में निकल के सो गए, तो नींद के लिए भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं और किसी प्रकार की औषधि लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी खाना खाया, वज्रासन में बैठा, उसके बाद 100 कदम चला, उसके बाद 2 घंटा में कथा कहानी सुन करके फिर सो गए। सुनते रहिए जो बोल रहे हैं। फिर पहले बाएं करवट लेटना है, उसके बाद दूसरे करवट में भी आप जा सकते हैं और प्रातः वेला में 4 बजे जग जाना है। कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे जगने के बाद छोटे बच्चों को 1 गिलास पानी, बड़े लोगों को 3 गिलास। कितने गिलास पानी बड़ों को? 3 गिलास। सुसुम पानी यदि मिल जाए तो बहुत लाभकारी होता है हमारे लिए। और पानी पीने के बाद जो 3-4 आसन बता रहे हैं, तारासन, उर्ध्वतारासन, हिजरतारासन, पादहस्तासन और थोड़ा सा कपालभाति, 2-4 पेट को ध्यान देने से जो पानी पीते हैं वो पानी बाय प्रोसेस आंतों में मलाशय मूत्राशय में प्रवेश कर जाता है। और जो रात में भोजन आंतों में जाकर के कड़ा हो जाता है, बैठ जाता है, वो आसन कर लेने से टूट जाता है और पानी पी रहते जाकर के उसको गीला कर देता है, यानी शौच आसानी से हो जाता है। और तो कभी ना आपको जिसका शौच बढ़िया है, पेट जिसका साफ है, रोग भी साफ है। ये समझ में आ गया कि रात्रि में कब सोना, कब भोजन लेना, प्रातः काल में कब क्या करना है। उसके बाद आप शौच कर लीजिए, उसके बाद मुंह में पानी भर करके आप दाल फुलाकर आंखों पर
आंखों में एक 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 बार पानी मार लेना है, कभी भी आंखों पे चश्मा नहीं, कभी मोती आगे शिकायत नहीं। पानी आंख में मार ले, आंखों पे पानी मारने के बाद आप सबसे पहले आसन लगा करके और एक घंटा योग प्राणायाम करिएगा। कितना देर? एक घंटा। ये आपके लिए जरूरी है, तभी आप 12 घंटा सेवा दे सकते हैं। जो योग नहीं करेगा वो बीमार पड़ जाएगा, निश्चित पड़ेगा। इसलिए आपको राष्ट्र के लिए 12 घंटा समय देना है, 10 घंटा समय देना, 8 घंटा समय देना है। उसके लिए अपने शरीर को पहले सर्विसिंग करना है। क्या करना है? वो योग प्राणायाम आसनों से होगा, एक घंटा में होगा। उसके बाद नाश्ता हल्का अंकुरी अनाज या जो भी घर में आपका साग सब्जी है, रोटी सब्जियां जो भी है, सुबह में दूध नहीं लेना है, रात्रि में दूध पीना चाहिए हल्दी मिलाकर के। सुबह में एलोवेरा आंवला का जूस आप लोग जरूर रखिएगा। हमारे बीच में आयुर्वेद के ऊपर, जड़ी बूटियों के ऊपर उत्पादन भी करते हैं और हमारे भारत स्वाभिमान के बहुत ही कर्मठ अधिकारी हैं, आदरणीय उमेश कुमार जी हमारे बीच में आए हुए हैं। उनको भी पर कर्तव्य भयों से अनुसार करेंगे, अनुरोध करेंगे कि अपने जीवन को लगा दिया योग आयुर्वेद को सींचने में, उसको ऊंचाई तक ले जाने में। आज उनका प्रसाद, उन लोगों का मेहनत, उन लोगों की जो समर्पण की भावना रही है, आज आप लोगों को देखने से महसूस हो रहा है कि आज से पहले 20 साल पहले, 15 साल पहले जो हम लोगों ने मिलकर के सेवा की थी, जो बीजारोपण किया था योग का, प्राणायाम का, आज वो दिख रहा है आप लोगों के माध्यम से। यानी जो बीज 20 साल पहले हम लोगों ने खेत में डाला था योग का, वह आज एक वट वृक्ष होकर के पूरे जीवन को आच्छादित कर रहा है। तो आइए हम इस अगले कार्यक्रम को योग और आयुर्वेद के प्रति आपको ले चलेंगे। ओम।